सिद्धगोड़ा की तरह ही कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के हिंदोर गांव के एक लाभार्थी किसान हैं एच.के. रघु। एच.के. रघु अपने खेतों में तो सावा की खेती करते ही हैं, साथ ही जमीनों को लीज पर लेकर रागी भी उगाते हैं। एच.के. रघु ने अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनें भी लगाई हैं। रघु के यहाँ किसान अपने श्री अन्न की प्रोसेसिंग भी कराने आते हैं। रघु श्री अन्न की प्रोसेसिंग के बाद उन्हें पैक करते हैं, जिन्हें लोग उनसे खरीदने आते हैं। साथ ही वो पैक्ड श्री अन्न की मार्केटिंग शहरों में भी करते हैं। जो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ उसे अपने ही मिल में तैयार करता हूँ और बेचता हूँ। अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल बेचूंगा तो मेरा लाभ कम होगा। हम तैयार किया हुआ सावा को बेचेंगे तो लाभ ज्यादा है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है लाभ। एच.के. रघु आसपास के किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं। तुमकुर जिले के भूपसेंद्रा गांव के किसान कृष्णा पाटी ज्वार और कोदो की खेती करते हैं। कृषि अधिकारियों से श्री अन्न की खेती के वैज्ञानिक तरीके सीखने के बाद कृष्णा पाटी अपने बेटे के साथ ब्रॉडकास्टिंग की जगह स्पेसिंग तकनीक से कोदो की लोकल वैरायटी उगाते हैं। 1 एकड़ से 6 क्विंटल तक कोदो की खेती करके आप 60,000 रुपए कमाते हैं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य और खुशियां देते हैं। मैं कृष्णप्पा का बेटा हूँ। पिछले बार 2 एकड़ में हमने कोदो ग्रो किया, 16 क्विंटल मिला, 8 क्विंटल हमने यूज किया और 8 सेल किया, 60,000 का प्रॉफिट हमें मिला। वो पैसा हमने खेती में डाला। इस साल फिर हमने कोदो किया है। कृषि अधिकारी से हमें अच्छी सलाह मिली, कौन सा गोबर डालना है करके उन्होंने बताया। कोदो के बीच में हमने तुअर दाल डाली जिससे हमें और लाभ मिल गया, इसलिए हमने अंतर फसल के तौर पर तुअर दाल को डाला। श्री अन्न की खेती के पारंपरिक तरीकों की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने से देश भर में किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ रही है।